देखिए फ्रेंड्स, हम इन चार एप्स के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, जीरोधा। इसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, डिलीवरी चार्जेस, इंट्राडे चार्जेस और उसका एग्जांपल हम सारा कुछ इसमें डिटेल से बताएंगे आपको। एक भी परसेंट का दिक्कत नहीं रहने देंगे, एक भी परसेंट का कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। और देखिए टोटल एक्टिव क्लाइंट्स कितना है ये चारों एप्स में, देखिए कितना कस्टमर है जो डाउनलोड किए हुए हैं, और अकाउंट ओपनिंग चार्ज, म्यूचुअल फंड्स में, टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स, मतलब कि हर कुछ आपको डिटेल से देखने को मिलेगा। और आगे देख सकते हैं इसमें कितना चार्जेस है, मतलब इसमें फ्री है, कितनी डीपी चार्जेस है, पेमेंट कैटेगरी चार्जेस है, जीएसटी कितना आपसे लगेगा, इंट्राडे चार्जेस कितना। और लास्ट में आपको हम ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू, जो जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, उसको उसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि इंट्राडे में आप सेल बाय सेल करने पे कितना आपका नेट प्रॉफिट होगा, कहां पे कितना चार्जेस लगेगा, डिलीवरी में कितना क्या क्या होगा, फ्यूचर ऑप्शन में क्या होगा, मतलब सारा कुछ डिटेल से आपको बताएंगे। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक भी कंफ्यूजन और एक भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं टॉप 4 स्टॉक मार्केट एप्स। आपको इस एप्स में, किस एप्स में आपको अकाउंट खोलना चाहिए, न्यू यूजर के लिए कौन सा एप्स बेस्ट है, और जो कि एक्सपीरियंस यूजर है जो कि बहुत देर से स्टॉक मार्केट में, उसके लिए कौन सा एप्स बेस्ट है, ग्रो, एंजल वन, अब स्टॉक्स, जीरोधा, ये चार एप्स में कौन सा आपके लिए बेस्ट है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं, उसके लिए अलग अलग एप्स सुटेबल करता है। तो बस ये आपके लिए कौन सा बेस्ट एप्स है, जो यूजर है, जो एक्सपीरियंस यूजर है, सबके लिए हम बताएंगे पूरा डिटेल से, इसमें कितना चार्जेस लगता है, सारा कुछ डिटेल से। इस वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ सके सारी जानकारी, ठीक है। और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो देखिए दोस्तों, हम इन चार एप्स के बारे में आज बात करने वाले हैं जो कि टॉप 4 एप्स हैं। आपको इसी एप्स में अकाउंट खोलने हैं, ग्रो, एंजल वन, आप स्टॉक्स, जीरोधा। देखिए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं, जीरो पैसा है, एम स्टॉक्स है, फायर्स है, पेटीएम मनी है, बहुत सारे ऐप्स हैं, बट इन सब का रिकॉर्ड बहुत दिन का नहीं है। मतलब क्या 5-10 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए ना, एक कस्टमर का भरोसा डेवलप करना चाहिए जिसमें कि बहुत सारे कस्टमर हों, एक्टिव यूजर्स हों, उसका भरोसा बहुत दिन से जीत रहे हो, तो आप उसी ऐप्स पर भरोसा कीजिएगा ना। तो इसीलिए इन टॉप 4 ऐप्स में ही आपको अकाउंट खोलना है। बस आपके लिए कौन सा बेस्ट है तो वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए एक ग्रो में 1 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर है, 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है, एंजल वन में भी 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है। तो जो न्यू यूजर है उसके लिए ये दोनों एप्स बेस्ट है, ये दोनों एप्स बेस्ट है, जिसमें कि नंबर 1 पे ग्रो है, नंबर 2 पे हम रखेंगे एंजल वन को, क्योंकि मेरा अकाउंट ग्रो में खुला हुआ है, हमको ग्रो में आज तक कोई शिकायत नहीं हुआ। सब ग्रो का सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें कंप्लेंस, जो कस्टमर का कंप्लेंस होता है ना, वो बहुत कम है। देखिए अप स्टॉक्स, जीरोधा, ये उनके लिए हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड यूजर हैं, जो कि ट्रेडिंग बहुत करते हैं, बहुत सारा बाय सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और वो डेली ट्रेडिंग करते हैं, वो इंट्राडे खेलते हैं, तो उसके लिए ये सब बेस्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, ये सब जो करते हैं उसके लिए अच्छा है। जो न्यू यूजर हैं, जो कि अभी नए यूजर्स हैं, उसके लिए ग्रो और एंजल वन अच्छा है। अब आगे देखते हैं कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज इसमें कितना लगेगा, ठीक है। देखिए ग्रो में अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है, एंजल वन में फ्री है, अप स्टॉक्स में 299 रुपया लगेगा अकाउंट ओपनिंग चार्ज, जीरोधा में 200+100 रुपया लगेगा, मतलब 300 रुपया आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज, ठीक है। देखिए क्यों बोल रहे हैं कि न्यू यूजर के लिए ये ग्रो, एंजल वन ठीक है, क्योंकि आप नए यूजर्स हैं, आप स्टॉक मार्केट में कितना दिन टिकिएगा ये आपका कोई भरोसा नहीं है, आप पैसा लॉस भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप 1-2 महीना स्टॉक मार्केट में रहें या फिर बाहर निकल गए, आपको ठीक है, आपको लॉस हो गया, तो इस वजह से आप ये इस ग्रो और एंजल वन में अकाउंट खोलिएगा ताकि आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री रहे। जब आप पूरा सीख लीजिएगा, पूरा एक्सपीरियंस हो जाइएगा, नहीं हम स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं आपको लग जाएगा, क्योंकि आप जब अच्छा से सीख जाइएगा तो आप जरूरी स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाइएगा, मंथली 15-20 हज़ार आप आराम से निकाल लीजिएगा। ये हम खुद अपने ग्रो में जो डीमैट अकाउंट है उसमें मंथली 20-30 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमाइएगा, जब आप अच्छे से सीख लीजिएगा तो आप जरूर कमाइएगा। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट में बाय और सेल करिएगा, इंट्राडे खेलिएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन खेलिएगा, तब आप स्टॉक्स और जीरोधा की तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिलीवरी चार्जेस होता है वो सब फ्री होता है, आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट टैक्स है वो तो आपको सभी एप्स में सेम देखने को मिलेंगे, सभी एप्स में लिए जाएंगे आपको, गवर्नमेंट टैक्स है वो तो सबके लिए लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ग्रो में फ्री है, एंजल वन में 240 रुपये लगता है, अब स्टॉक्स में 300 रुपये लगता है, और जीरोधा में भी 300 रुपये लगता है, ठीक है। इसलिए हम ग्रो में बोल रहे थे और हम भी ग्रो में अकाउंट खोले हैं, ग्रो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, जिसमें कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता, ये भी फ्री है। इसलिए जो यूजर है उसके लिए एक फर्स्ट नंबर पर, नंबर 1 रैंक पर रखेंगे हम ग्रो, फिर एंजल वन, ठीक है। अब आपको कौन सा एप्स बेस्ट लगता है आप उसके अकाउंट अकॉर्डिंग अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट खोल लीजिएगा, ठीक। अब ये डिलीवरी चार्जेस जो है ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या है ये हम एग्जांपल देके नीचे समझाए हैं, ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो डिलीवरी चार्जेस जो है ये जो डिलीवरी चार्जेस है 0.05% मिनिमम और 20 रुपये मैक्सिमम, ये ब्रोकरेज चार्जेस ये आपको ग्रो और एंजल वन में देखने को मिलेगा, बट आप स्टॉक्स और जीरोधा में ये फ्री रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपसे पहले ही अकाउंट ओपनिंग चार्ज ले लिया है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ले लिया है, तो इसमें जो है ब्रोकरेज चार्जेस आप स्टॉक्स और जीरोधा में नहीं लगते हैं, क्योंकि इसलिए हम बोले जो ज्यादा बाय और ज्यादा अमाउंट में बाय और सेल करते हैं, डेली करते हैं, इंट्राडे खेलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन खेलते हैं, उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि आपको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, तो आप ज्यादा बाय एंड सेल कीजिएगा तो इतना पैसा, इससे ज्यादा पैसा ही आप सेव कर लीजिएगा, ठीक। और आगे देखते हैं इंट्राडे में जो है ये चारों एप्स, ग्रो, एंजल वन, अब स्टॉक्स, जीरोधा, ये चारों में आपको 0.05% जो है मिनिमम देना पड़ेगा और 20 रुपये मैक्सिमम देना है, चारों एप्स में देना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये 0.05% मिनिमम और 20 रुपये मैक्सिमम ये कैसे लगता है, इसको आप कैसे समझिएगा, ठीक है, आप देखते हैं नीचे, ठीक है। तो देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू बताए हुए हैं, देखिए मान लिया जाए कि आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका 0.05% ब्रोकरेज लेगा, तो इसका कितना होता है 0.05% 50 रुपया होता है, बट आपसे 50 रुपये नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ये 20 रुपये ही बोला है, तो मैक्सिमम 20 रुपये ही लिया जाएगा, ठीक है। आप कितनों रुपया खरीदते हैं, 5 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितनों का लेते हैं, मैक्सिमम आपसे 20 रुपये लिया जाएगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। अब चलिए नीचे में एक और एग्जांपल देके समझते हैं।
कि 10,000 है, ठीक है। 10,000 का 0.05% कैसे निकलता है हम ये बता देते हैं। देखिए पहले तो परसेंटेज उड़ाइएगा तो नीचे में 100 आएगा, एक पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे में फिर से 100 आएगा, ठीक। और इसका 10,000 का निकालिएगा 0.05% तो 5 रुपया आता है, तो ये आपसे 5 रुपया ही लिया जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम 0.05% ही लिया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 20 रुपया से अधिक नहीं लिया जाएगा, 20 रुपया से ऊपर जाता है तो उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा, 20 ही लिया जाएगा। मिनिमम 20 से जितना कम है आपसे वही लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ज्यादा अमाउंट में बाय और सेल करते हैं तो उसमें आपको ब्रोकरेज चार्जेस में थोड़ी सी बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। पर जो न्यू यूजर्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में बाय और सेल नहीं कीजिएगा, 5-10 ही क्वांटिटी बाय सेल कीजिएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। अब देखिए इसमें वन टाइम बाय और सेल मतलब क्या कि आपको हर एक बार जितना बाय और सेल कीजिएगा उतना बार ये ब्रोकरेज चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं कि 5,000 का 0.05% निकालिएगा, 2.5 रुपया होता है, ठीक है। बस इतना ही लिया जाएगा आपसे, क्योंकि मिनिमम 20 से कम जितना वही लिया जाएगा, मैक्सिमम 20 ही लिया जाएगा, उससे ज्यादा कितना भी रुपया हो। जैसे 50 हुआ था तो 20 लिया गया था, तो ये 50 नहीं लेके 20 ही लिया गया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा गवर्नमेंट टैक्स लगेंगे, इसलिए हम लिख दिया है यहाँ पे कि एक्स्ट्रा गवर्नमेंट टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट टैक्स इसके बाद लिए जाएंगे, सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस है, इसके बाद जो गवर्नमेंट टैक्स होता है वो आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे इन चारों में फिर से डिटेल्स कंपेरिजन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए टोटल एक्टिव क्लाइंट्स जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर हैं वो 3,75,31,075 हैं, जो कि ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब इन चारों एप्स में हम डिटेल कंपैरिजन करके देखेंगे। फर्स्ट है जीरोधा, दूसरा नाम ग्रो, तीसरा में एंजल वन, चौथा में एप्स स्टॉक्स, ठीक। टोटल डाउनलोड्स किया गया है 1 करोड़ प्लस 50 लाख प्लस, अब स्टॉक्स 50 लाख प्लस ही डाउनलोड किया गया, ठीक। अब एक्टिव यूजर्स देखते हैं, जीरोधा में है 62,77,000, ग्रो में है 38,48,000, एंजल वन में है 36,57,000, एप्स स्टॉक्स में है 52 लाख, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो है जीरोधा में 200 प्लस 100 है, ग्रो में फ्री है, एंजल वन में फ्री है, और अब स्टॉक्स में 250 जाता है तो फ्री रहता है, नहीं तो 250 चार्ज लगते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 300 प्लस GST जीरोधा में, और ग्रो में देखिए फ्री है, एंजल वन में 300 प्लस GST मेंटेनेंस चार्ज तो आपको लगेंगे एंजल वन में, पर ग्रो में सब कुछ फ्री रहता है। अब स्टॉक्स में फ्री या 25 प्लस GST, फ्री कब रहता है तो आपको बताएं, जब ऑफर आता है तब रहता है, ठीक। म्यूचुअल फंड्स में देखिए जीरोधा क्वाइन एप्स हैं, ग्रो में देखिए डायरेक्ट है, एंजल वन में इनडायरेक्ट है, अब स्टॉक्स में डायरेक्ट है। डायरेक्ट करने का मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं ग्रो में, एंजल वन में नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट है, और अब स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, और जीरोधा के लिए जीरोधा क्वाइन एप्स डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए ग्रो सबसे बेस्ट हम रखे हुए हैं नंबर वन पे। न्यू यूजर के लिए ग्रो सबसे अच्छा है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस यूजर है तो उसको ऑलरेडी पता ही है कि हमको हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, या जो ज्यादा बाय और सेल करते हैं उसके लिए जीरोधा अच्छा ऐप्स है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस यूजर है उसके लिए भी हम बता दिए कि जो डेली बहुत सारा अमाउंट में बाय और सेल करते हैं उसके लिए जीरोधा अच्छा है, नंबर वन पे है, नंबर दो पे आप स्टॉक्स, और जो कस्टमर्स न्यू यूजर्स हैं उसके लिए नंबर वन पे ग्रो है, और नंबर टू पे एंजल वन है, ठीक है। अब आगे इसका और कंपैरिजन देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए जीरोधा में ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो फ्री है, पर इंट्राडे चार्जेस इसमें लगेंगे 0.03% इसमें लगते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कम है क्योंकि ये तो पहले से ही चार्जेस अकाउंट ओपनिंग अकाउंट मेंटेनेंस के रूप में ले लिया जाता है, ठीक है। ग्रो में 0.05% है, 0.05% ही है इंट्राडे और डिलीवरी दोनों चार्जेस। इंजल में देखिए इंजल में डिलीवरी फ्री है, पर इंट्राडे में आप जाइएगा तो 0.025% का चार्जेस लिया जाएगा। आप स्टॉक्स में देखिए डिलीवरी चार्जेस 2.5% है, इंट्राडे चार्जेस 0.05% है। तो आप स्टॉक्स में क्या होता है कि ये चार्जेस थोड़ा सा अप डाउन होते रहते हैं क्योंकि ये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी कभी कभी फ्री कर देते हैं, तो इस हिसाब से, ठीक है। तो 20 रुपये जो है इसमें मैक्सिमम चार्जेस लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा ये चारों में, ठीक है। देखिए डीपी चार्जेस जो है 13.5 प्लस GST जीरोधा में है, ग्रो में भी 13.5 प्लस GST है, एंजल में 20 प्लस GST है, आप स्टॉक्स में 18.5 प्लस GST है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पेमेंट गेटवे चार्जेस, 9 रुपया प्लस GST जीरोधा में है, ग्रो में देखिए फ्री है, एंजल वन में फ्री UPI है, आप स्टॉक्स में 7 प्लस GST है। UPI ट्रांजेक्शन फ्री ऑन ऑल प्लेटफॉर्म मतलब कि चारों एप्स में UPI ट्रांजेक्शन फ्री है, और कंप्लेंट बाय कस्टमर, ये चारों एप्स में आप कंप्लेंट कर सकते हैं कस्टमर को। आगे फ्रेंड्स इस वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको एक कैलकुलेटर के माध्यम से आप बताएंगे कि आप बाय और सेल करने पे आपको कितना बेनिफिट, कितना चार्जेस, कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलेगी और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करने से, ठीक है। तो कौन सा एप्स बेस्ट है, कौन सा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, किस एप्स में, सारा कुछ कंफ्यूजन आपको इस एप्स वीडियो देखने के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल या थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो में बने रहिएगा, आपको हम कैलकुलेटर जीरोधा कैलकुलेटर है उसके माध्यम से बताते हैं कि इक्विटी में डिलीवरी में फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको कितने कितने चार्जेस लगते हैं, कौन कौन से, और बाय और सेल करने पे कितना नेट प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर मान लिया जाए कि 1,000 रुपये का बाय कीजिएगा और सेल कीजिएगा 1,100 रुपये में, टोटल आप 400 क्वांटिटी लिए हैं, कोई भी देखिए कोई भी जैसे टाटा स्टील कंपनी है वो एक शेयर उसका 1,000 रुपया, ठीक है, और सेल कर रहे हैं 1,100 में, टोटल 400 शेयर लिया टाटा स्टील का, ठीक है। देखिए टोटल टर्नओवर है 8,40,000, ठीक। तो ब्रोकरेज आपसे 40 रुपया ले जा रहा है क्योंकि 20 रुपये आपको बाय करने में लगेंगे और 20 रुपये आपको सेल करने में लगेंगे, क्योंकि आपको बताया थी कि मैक्सिमम 20 रुपया ही लगता है। STT टोटल 110 रुपया लगेगा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 28.98 रुपया लगेगा, क्लियरिंग चेंज चार्ज 0 रुपया, GST जो है 12.42 रुपया, सेवी चार्जेस जो है 0.99 रुपया, स्टाम्प ड्यूटी आपसे 12 रुपया लेगा, टोटल टैक्स एंड चार्जेस 204.39 रुपया, और पॉइंट्स टू ब्रेक इवन 0.51 रुपया। तो आपको टोटल जो नेट प्रॉफिट होगा वो 39,795 होगा, ये 8,40,000 में, जब आप 100 रुपया प्लस में कोई भी स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं वो 400 क्वांटिटी रहने पे, मतलब 8,40,000 आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको 39,795 रुपया बेनिफिट होगा, ठीक है। ये इंट्राडे में है। अब डिलीवरी देखते हैं, डिलीवरी में भी सेम है, 1,000 में बाय कीजिएगा, 1,100 में सेल कीजिएगा, टोटल 400 क्वांटिटी रहेगा, टर्नओवर हो जाएगा 8,40,000 का, ब्रोकरेज इसमें 0 लगेंगे क्योंकि 0 धन हम पहले बता चुके हैं कि इंट्राडे में लगता है ब्रोकरेज चार्जेस, पर डिलीवरी में नहीं लगता है, फ्री रहता है क्योंकि अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ये 0 धन पहले ही रख लिया जाता है आपसे, इसलिए 0 धन में 0 रुपया ब्रोकरेज लगता है वो डिलीवरी में, पर इंट्राडे में आपसे लगेगा, ठीक है। आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बोले थे, ठीक है।
एसटीकी टोटल जो है 840 रुपये लगेगा। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज जो है 28.98 लगेगा। डीपी चार्ज 15.93 लगेगा। जीएसटी जो है इसमें 5.22 लगेगा। सेवी चार्जेस 0.99 लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी 60 रुपये लगेगा। टोटल टैक्स एंड चार्जेस 951.12, ये यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। और पॉइंट्स टू ब्रेक डाउन 2.38 रुपये लगेगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो है 39,48.88 रुपये आपको इसमें होगा, ठीक है। आप इतना रुपये बाय और सेल 400 क्वांटिटी करते हैं तो ये कोई भी शेयर हो सकता है, टाटा स्टील हो सकता है, जियो फाइनेंस हो सकता है, कोई भी शेयर हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए ब्रोकरेज के बाद जितना भी नीचे चार्जेस हैं ये आपको हर एप्स में सेम देखने को मिलेगा, हर एप्स में। तो इसके लिए तो आप कहीं भाग नहीं सकते, ये आपको देना ही पड़ेगा। चाहे आप ग्रो में खुलाए हो, चाहे आप एंजल वन में खुलाए हो, कोई भी एप्स में खुलाइएगा तो ये आपको जो चार्जेस है देना ही पड़ेगा। ये इंट्राडे में अलग रहता है, डिलीवरी में अलग रहता है। अब आप देखिए एग्जांपल के इंट्राडे में ये चार्जेस में कुछ चेंजेस थे और डिलीवरी में कुछ चेंजेस थे। तो ठीक है दोस्तों, आपको हम सारी जानकारी पूरे स्टेप बाय स्टेप दे दिए हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव और जेन्यून लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बस एक लाइक आप कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिले आगे इस तरह का अच्छे अच्छे कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट लाने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।